शिबू भैया क्या कर रहे हैं? थोड़ा जल्दी चलिए, करंट क्या भाभी आपका वेट कर रही हो। हाँ भैया, उनसे ज्यादा वेट मत कराइए, नहीं तो करंट मारेंगी। ओ तेरी तो, हमारे शिबू भैया ना थोड़े दिनों में करंट प्रूफ हो जाएंगे। एक मिनट, तुम लोग भी ना, अरे इसकी हालत पे थोड़ा रहम खाओ। थानेदार साहब की हालत बिल्कुल वैसे हो रही है जैसे चोर की पुलिस के सामने होती है। भैया आप भी? अच्छा, बहुत परेशान कर लिया। चलो आइए। चलिए भैया, आपकी मंजिल आ गई। ऑल द बेस्ट भैया। चलो जाने दो सर। गुड नाइट भैया। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। बाय भैया। ठीक तो हो ना? पता नहीं, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूं। एक्चुअली ये सब इतना अचानक से हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं और क्या क्या करूं। तुम भी तो कुछ बोलो। बस बहुत हो गया मजाक, अब इन लोगों को आराम करने दो। अब बिट्टू भैया अपना दुपट्टा तो ले आओ। दुपट्टा? हाजी हाजी वाह हाजी, मेरा घुंघट तो रह गया। अब हाजी वाह, वेल डन बिट्टू भैया। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भैया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कौन है? ये कोई नहीं, ये बिट्टी भैया, बिट्टू भैया। ठीक है, काफी रात हो गई है, जाके सो जाओ। और लवली तुम जरा हमारे कमरे में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी मासा। और की कोई मासा? हाँ चली गई। मासा क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा लवली कि हम कहां से शुरू करें। हमें बहुत विश्वास था अपनी सोच पर, अपनी समझ पर, कि अनजाने में भी हम अपने परिवार की खुशियों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन इस बार बहुत बड़ी चूक हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई।
हमें माफ कर दो लवली। माँ साहब आप ये क्या कह रही हैं? आप माफी क्यों मांग रही हैं? सिमरन भाभी की मौत ने आपको बहुत कमजोर कर दिया था और आपकी इसी कमजोरी का फायदा वो नानिका उठाना चाहती थी और तुमने ये अनर्थ होने से रोक दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे परिवार को बर्बाद होने से बचा लिया और हमने तुम्हारा ही विश्वास नहीं किया। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमें हमें माफ कर दो लव। माँ साहब ये आप क्या कर रही हैं? ठीक है आप नहीं मानेंगी ना तो मैं आपको माफ करने को तैयार हूँ लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कौन सी शर्त? यही माँ साहब कि आप मुझे अपनी बेटी मानकर अपने गले लगा लें। मुझे इस पल का कब से इंतजार था। प्लीज माँ साहब एक माँ की तरह आप मुझे अपने गले लगा लीजिए। अगर आप मुझे अपनी बेटी मान लेंगी ना तो हम दोनों के बीच माफी की जगह ही नहीं बचेगी है ना। जनाब यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। तो आप शरारत के मूड में हैं? शरारत के नहीं, बगावत के मूड में। अरे वाह, इतनी खूबसूरत साड़ी। आज से मैं वही पहनूंगी जो हमारे पति चाहेंगे। एक सेकेंड ना। अब ठीक है? हाँ अब अच्छा है। एक काम करो तुम सो जाओ, थोड़ा आराम करोगी तो अच्छा लगेगा। हाँ एक बात कहनी थी, अगर तुम लवली और कार्तिक नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। क्यों होता यार? नामिका हमारी जगह बैठी होती और मैं रोते रोते सड़क की धूल छान रही होती। थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरे साथ यहां तुम हो। मैं देखता हूं। पापा मुझे ना आपके बिना नींद नहीं आ रही थी, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? अनु
तुम्हारे बगैर मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। अच्छा हो तुम आ गए, आ जाओ। अनु चल अनु जल्दी से सो जा, आज ना मैंने बहुत नींद आई है। करंटिया ना तू श्रीमती करंटिया कौशिक से साहब जी की घरवाली और अनु की माँ। अरे बाप रे करंटिया तू यहाँ पे क्या कर रही है? अरे तन्ने तो आज से दूसरी बहुओं के जैसे नहा धो के फटाफट पूजा के लिए जाना होगा। अरे भाग करंटिया, नहीं तो मासा की डांट पड़ जाएगी। भाग भाग। अरे इतने पहनू के? तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन मेरे पास है। ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। चाहूंगी तुम घर की और बहुओं की तरह साड़ियां ही पहनो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ना ना बिल्कुल ना, आज से मैं वही पहनूंगी जो हमारे पति चाहेंगे। हमारी मासा है बड़ी निराली, है उनके अलग ही रंग। हमारी लवली दिखाएगी तुम्हें मम्मी जी के नए अंदाज। कौशिक की पांच बहुएं।
मॉर्निंग करंटिया भाभी जी। भाभी जी, अरे तुम्हारे मुंह का स्वाद क्यों खराब हो गया? अब तुम मेरी जेठानी हो तो मुझे तुम्हें भाभी जी तो कहना पड़ेगा, है ना? हाँ ठीक है, कुछ ठीक नहीं है। अगर पूजा के लिए लेट होगी ना तो तुम्हें पहले ही दिन डांट पड़ जाएगी। चलो जल्दी चलो। अरे बाप रे, ना ना मनी ना डांट खानी मासा से। चलो चलो जल्दी। सदा सुखी रहो। अरे तुमने हमारे पांव तो छू लिए करंटिया, लेकिन जब तक तुम्हें हमें माफ नहीं करोगी हमें आशीर्वाद देने का अधिकार नहीं मिलेगा। अरे गहना भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ करंटिया, हमने तुम्हें गलत समझा, हमें माफ कर दो। ना ना गहना भाभी, अब ऐसा मत कहिए। मन आपसे कोई शिकायत ना है, और मैं भी आपकी जगह होती ना तो वही करती जो आपने किया। सदा खुश रहो, सुखी रहो। ओ जी बस बस बस, जीती रहे खुश रहे। अरे ये तुम क्या कर रही हो? रिश्ते में आप हमसे बड़ी, हमारी जेठानी, और इसलिए आपको हमारे नहीं हमें आपके पैर छूने चाहिए। क्यों मासा? बिल्कुल। करंटिया, अब तुम इस घर की मंझली बहू हो, इसलिए तुम्हें जीवन भर अपनी दो जेठानियां और दो देवरानियां उनको साथ लेकर चलना होगा। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द कौशिक परिवार के तौर तरीके और कायदे सीखने होंगे। अरे मासा, वो सब तो मैं चुटकी बजा के सीख लूंगी। अरे इतना समय यहाँ पे मेहमान बन के पड़ी रही, कभी तो काम आएगा। वैसे तो मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ, जो बचा खुचा है वो चिकनी सिखा देगी। क्यों चिकनी? चिकनी नहीं, लवली जेठानी जी। और अब आपको इस घर की बहू की तरह अपने आप को ढालना होगा, और ऐसी कोई बात नहीं कहनी होगी जो अक्सर गुस्से में आप कह देती हैं। अब आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? लवली बहू, तुम्हें लगता है कि ये अपने आप को हमारे रंग में ढाल पाएगी? मासा आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, और सब भाभी भी तो है, ये एकदम समझ जाएंगी, है ना? रिया बहू जी, तुम हमारे साथ आओ, जो उपहार मेहमानों ने दिए हैं उनकी सूची बनानी है। जी संभल कर जेठानी जी, अब नहीं चलेगी कोई भी लापरवाही, वरना सासू मां देगी मीठी मीठी गाली। हमारी मासा है बड़ी निराली, साफ सफाई पसंद और नखरे वाली। हाँ है उनके अलग ही रंग, बदलने होंगे तुम्हें अपने बोलने के ढंग, जैसे कि प्रणाम मासा, घनी खमा मासा। हमारी लवली दिखाएगी तुम्हें मम्मी जी के नए अंदाज, तभी तो समझ में आएगी तुम्हें हमारी बात।
समझी? जयपुर की मिसेस कौशिक की है ये कहानी। सुनो, आओ सुनो इन्हीं के रंग में रंगी चार बहुओं की जबानी। नियम है कड़े, है वक्त की सख्त, दिल के तेवर के आगे शेर भी बिल्ली भागे। दलदली पट्टी सबको डांट, बच्चों से बड़ों तक की खड़ी हो जाती हार। बहू बर्तन करो इतने साफ कि शक्ल उसमें दिखे एकदम शफाफ। हे भगवान, यहाँ तो बहुत मुश्किल से टकर पनघट की, लेकिन इस मुश्किल में भी हम हैं साथ साथ। Oh,